घर की जरूरत है, वो प्रोडक्ट जो हर डॉक्टर को चाहिए, वो प्रोडक्ट जो हर आम आदमी को चाहिए। ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत बिकता है, इसका नाम है प्लांट प्रोटीन। कई लोगों को दूध के प्रोटीन से एलर्जी होती है, वे प्रोटीन जो होता है गाय के दूध से बनता है, एक प्रोटीन होता है जो प्लांट से बनता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। उन सभी प्लांटों का एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर हमने बनाया दुनिया का, फिर कह रहा हूं, नंबर वन प्लांट प्रोटीन जो आपके सेल के लिए अवेलेबल। नेक्स्ट दिखाता हूं आपको, एक्टिव फाइबर। एक प्रोडक्ट होता है जिसके पेट में आंतों में जो गंदगी जमा होती है, तो फाइबर खाने से पूरी गंदगी साफ हो जाती है, तो हमें वो फाइबर आजकल के खाने पीने में कम मिलता है, ठीक है, और हम लोग जो भी चीजें खाते हैं उनमें इतना फाइबर नहीं होता कि हमारे पेट में आंतों की पूरी जो पूरा चारों तरफ जमा हुआ वो साफ हो जाए। तो हमने बनाया आपके लिए एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। मोटापे वाले लोग मेरे जैसे जो, उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं भी यूज करूंगा। नेक्स्ट, ये भी सेल के लिए अस्थमा। हेलो भाई, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये तो बात है, आयुर्वेद बात है, खुश हो जाते हो तुम। इसे हमें वजह, हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई औषधि है तो हमारी आयुर्वेदिक औषधि। अस्थमा रोग सिरप भी आ गया है, अस्थमे के मरीज परेशान ना हो, एडोलुपेल आपके अस्थमा को ठीक करने के लिए आ चुके हैं। नेक्स्ट, हिम डॉक। आजकल हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है, आप देखते होंगे, रिपोर्ट कराते होंगे, तो तकरीबन लोगों का हीमोग्लोबिन अब कम होने लगा है, क्योंकि खाने पीने से वो आपको सारे जो सप्लीमेंट्स है, जो इंग्रीडियंट्स है, जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिलते, तो हम आपके लिए लाए हैं खून बढ़ाने का, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का हिमडोक सिरप। रक्त रोग, ये है जो हमारी बेटियां हैं उनको आजकल पिंपल्स की बड़ी प्रॉब्लम है, तो देश में जिन जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक बार एसिलिकस का रक्त रोग इस्तेमाल करना, चेहरा एकदम क्लीन होना शुरू हो जाएगा। हमने पांच प्रोडक्ट आज कहां से लॉन्च किए हैं? समुद्र से, समुद्र के बीच से लॉन्च किए हैं, और धरती पे जाते आतंक मचा देंगे पांच प्रोडक्ट। तो आप सब लोग इतनी देर से यहां बैठे हैं, बोर नहीं हो रहे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।